नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब विन आई एस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है पिछले कुछ दिनों से जो हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी कंप्यूटर के लिए आज ये उसका दूसरा लेक्चर है और आज हम इसको डिटेल में नए सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपका कंप्यूटर का सिलेबस है वो न्यू सिलेबस में पेपर थ्री के यूनिट फोर में दिया गया है ये यूनिट फोर के कुछ टॉपिक्स हैं तो आज से हम टॉपिक वाई टॉपिक अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे तो आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो आपका फर्स्ट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो हम अगले टॉपिक में लेंगे जो हमने पिछली यूनिट पिछले लेक्चर में बात की थी कि कंप्यूटर होता क्या है तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे कि कंप्यूटर इज़ बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन टेक डेटा एज इनपुट प्रोसेस दिस डेटा एंड गिवस अस दी आउटपुट इन डिज़ायर्ड फॉर्मेट इसका मतलब क्या होता है ये हम पिछले लेक्चर में समझ चुके थे आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की कंप्यूटर को मेनली हमने फोर टाइप्स में क्लासीफाई किया है फर्स्ट वन इज़ सुपर कंप्यूटर सेकेंड वन इज़ मेन मेन फ्रेम कंप्यूटर थर्ड वन इज़ मिनी कंप्यूटर फोर्थ वन इज़ माइक्रो कंप्यूटर सबसे पहले हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की दे आर दी मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड डेटा प्रोसेसिंग जो हमारे सुपर कंप्यूटर रहते हैं वो बहुत पावरफुल कंप्यूटर रहते हैं या तो हम बात कर लें उनके परफॉर्मेंस की या डेटा प्रोसेसिंग की ये इसलिए पावरफुल रहते हैं क्योंकि इनके प्रोसेसर्स और जो हार्डवेयर रिसोर्सेज रहते हैं वो काफ़ी हाई क्वालिटी के रहते हैं उनकी प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा रहती है यदि हम नॉर्मल कंप्यूटर की टर्म्स में उसे कंपेयर करें सेकेंड दीज आर द टास्क स्पेसिफिक कंप्यूटर यूज बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे कंप्यूटर रहते हैं ये स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ किए जाते हैं और ये मेनली लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करते हैं दीज कंप्यूटर्स आर यूज फॉर रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन परपज लाइक नासा यूजेज इट फॉर लांसिंग लॉन्चिंग स्पेस सटल ये जो कंप्यूटर हैं हमारे ये रिसर्च और एक्सप्लोरेशन के लिए यूज़ होते हैं और जो नासा है नेशनल और एरोनाटिक्स स्पेस एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ये भी इसको यूज़ करती है स्पेस सटल को लॉन्च करने के लिए अब इनकी परफॉर्मेंस भी हाई है डेटा प्रोसेसिंग स्पीड भी अच्छी है तो इनका कॉस्ट भी यहाँ पे बढ़ जाता है दे आर वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी लार्ज इन साइज़ इट कैन बी अकोमोडेटेड इन लार्ज एयर कंडीशन रूम अब इतने हाई एंड रिसोर्स लगे हुए हैं तो उनको फिर हमको एयर कंडीशन रूम में भी रखना पड़ता है सी डी सी डबल सिक्स डबल ज़ीरो इज़ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डिज़ाइन इन नाइनटीन सिक्सटी फ़ोर अब यहाँ से हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा ऐसा कंप्यूटर था सुपर कंप्यूटर आप उसका नाम बताइए और वो कौन से सन में लॉन्च हुआ था तो यहाँ से हमारे दो फैक्ट्स तैयार हो जाएंगे प्री के लिए कि सुपर कंप्यूटर हमारा 1964 में लॉन्च हुआ था और उसका नाम था सी डी सी डबल सिक्स डबल जीरो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सुपर कंप्यूटर की तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं फुजस्सूस इन जापान आई बी मीरा इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड एन यू डी तिहानी इन चाइना यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि वो पूछ सकते हैं फुजस्सू कहाँ का, का कंप्यूटर है तो हमको उसमें लिखना पड़ेगा जापान यूजेस ऑफ़ सुपर कम्प्यूटर की यदि हम बात करें तो ये स्पेस एक्सप्लोरेशन में यूज़ होते हैं अर्थक्यूक स्टडीज़ में यूज़ होते हैं वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ होते हैं न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग में यूज़ होते हैं मतलब ये डेडिकेटेड रहते हैं इन कुछ एक्टिविटीज़ के लिए अब हम बात करते हैं मेन फ्रेम कम्प्यूटर की मेन फ्रेम आर्ट नॉट पावरफुल एज सुपर कम्प्यूटर मेन फ्रेम कम्प्यूटर भी पावरफुल रहते हैं बट सुपर कम्प्यूटर से कम मेन फ्रेम कैन ऑल्सो प्रोसेस एंड स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा बैंक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंश्योरेंस कंपनीज़ यूज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर टू स्टोर देयर डेटा बैंक्स में यूज़ होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में यूज़ होता है इंश्योरेंस कंपनीज इनको यूज़ करती हैं अपने कुछ रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए द मेन फ्रेम कंप्यूटर कैन बी एकोमोडेटेड इन लार्ज एयर कंडीशन रूम इनको भी एयर कंडीशन रूम में एकोमोडेट करना पड़ता है मॉडर्न मेन फ्रम कंप्यूटर कैन रन डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एट द सेम टाइम इन कंप्यूटर्स में भी हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को एट द सेम टाइम रन कर सकते हैं वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करके हम इनके रिसोसिस को और अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं सम पॉपुलर मेन फ्रेम कम्प्यूटर्स आर फोजी आई सी एल वी एम ई एंड हिताचीज जैड एट डबल ज़ीरो अब बात करते हैं हम मिनी कंप्यूटर की मिनी कंप्यूटर्स आर यूज बाय स्मॉल बिजनेसेस एंड फॉर्म्स दे आर आल्सो कॉल्ड एज मिड रेंज कंप्यूटर्स ये कंप्यूटर्स जो हैं वो स्मॉल बिजनेसेस एंड फॉर्म्स यूज़ करती हैं डिस कंप्यूटर्स आर नॉट डिज़ाइनस फॉर सिंगल यूज़र ये ये कम्प्यूटर सिंगल यूज़र के लिए डिजाइन नहीं होते जैसे हमारे पर्सनल लैपटॉप्स और डेस्क टॉप्स वगैरह जो रहते हैं डीस प्रोसेस इन दियर प्रोसेसिंग कैपिलिटीज़ इज़ लेस एज कम्पेयर टू सुपर कम्प्यूटर एंड मेन फ्रेम्स इनकी प्रोसेसंग प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ सुपर कम्प्यूटर से भी कम रहती है और मेन फ्रेम कम्प्यूटर से भी कम रहती है इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स ऑफ अ लार्ज कंपनी और ऑर्गेनाइजेशंस यूजेज़ मिनी कंप्यूटर्स फॉर स्पेसिफ़िक पर्पस किसी कंपनी का एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है और ऑर्गेनाइजेशंस है तो मिनी कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं फॉर स्पेसिफ़िक पर्पस अब यदि मिनी कंप्यूटर्स की बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका टेक्सास इंस्ट्रूमेंट टी आई नाइन मिड रेंज कम्प्यूटर्स के टू बात करते हैं माइक्रो की माइक्रो कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज एंड फास्ट ग्रोइंग कंप्यूटर्स माइक्रो कंप्यूटर्स ही हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं और हम लोग भी जो कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में ही आते हैं कुछ लोग इनको पर्सनल कंप्यूटर भी बोल देते हैं दिस कंप्यूटर्स आर चीपेस्ट अमंग द अदर थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ये कंप्यूटर्स का कॉस्ट सबसे कम रहता है क्योंकि इनके रिसोर्स उतने हाई एंड नहीं रहते हैं तो इसके कारण इनकी कॉस्ट भी कम हो जाती है द माइक्रो कंप्यूटर्स आर स्पेशली डिज़ाइंड फॉर जनरल यूसेज लाइक एंटरटेनमेंट एजुकेशन एंड वर्क पर्पस। इनके लिए जनरल यूसेज के लिए डिज़ाइन होते हैं जैसे एंटरटेनमेंट के लिए एजुकेशन के लिए एंड वर्क पर्पसेस के लिए कोई स्पेसिफिक डेडिकेटेड टास्क के लिए इनको डिज़ाइन नहीं किया जाता है यदि माइक्रो कंप्यूटर्स के टाइप्स की बात करें तो इसमें आपका डेस्कटॉप आ जाएगा लैपटॉप आ जाएगा स्मार्टफोन आ जाएगा टैबलेट आ जाएगा और इनके वेल नोन मैनुफैक्चरर्स हैं जो हम सब जानते हैं डेल, एप्पल सैमसंग सोनी एक्सेट्रा तो अभी तक जब हमने जितना पढ़ा उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हमारे बने ही साथ में हमारे फाइव और इलेवन मार्क्स के क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं जैसे कि आप कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं उनको क्लासिफाई करिए उनके यूजेस बताइए कौन कौन सी कंपनीज़ इनको डिज़ाइन करती हैं उनके नाम बताइए कौन सा कंप्यूटर कहाँ का है ये सारे क्वेश्चनस यहाँ से आ सकते हैं उसके बाद हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यदि इनको करेक्टराइज किया जाए कंप्यूटर सिस्टम को तो इनको हम करेंगे इसी टर्म्स में इंटेलिजेंस के टर्म्स में व के टर्म्स में रिलायबिलिटी ऑटोमेशन एंड मेमोरी तो हम देखते हैं सबसे पहले स्पीड कंप्यूटर कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड द टाइम टेकन बाय द कंप्यूटर फॉर देयर ऑपरेशन इज़ इन माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि ये मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को पर सेकेंड में प्रोसेस कर देते हैं और इनका जो एग्जीक्यूशन टाइम रहता है वो माइक्रो सेकेंड्स और नैनो सेकेंड्स तक जाता है सेकंड बात करते हैं हम एक्यूरेसी की अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म्स कैलकुलेशंस विथ हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी इनका जो कैलकुलेशंस रहता है वो हंड्रेड परसेंट एक्यूरेट रहता है यदि हमने इनको प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड करी तो वर्सेटिलिटी वर्सैटिलिटी का मतलब है कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क विद एक्यूरेसी एंड एफिशियंसी ये डिफरेंट टास्क को भी एक्यूरेसी एंड एफिशियंसी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं रिलायबिलिटी अ कंप्यूटर कैन कैरी आउट सेम टाइप ऑफ वर्क रिपीटेडली विदाउट थ्रोइंग आउट एरर ड्यू टू टायर्डनेस कंप्यूटर एक ही टास्क को मल्टीपल टाइम्स विदाउट एरर परफॉर्म कर सकता है यदि ह्यूमन बींग्स की बात करें तो कई बार हो सकता है कि हम ऐसे टास्क परफॉर्म करने में एरर दे दें बट कंप्यूटर एरर नहीं देता है तो आज हमारे ये दो टॉपिक यहीं पर फिनिश हुए हैं अगले टॉपिक में हम अगले लेक्चर में हम जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे और उनके आगे के जो कुछ टॉपिक्स हैं उनको लेंगे यदि आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और यदि आपको एम <coughs> से रिलेटेड कुछ भी जानकारी लेनी है तो आप हमारे विन आई के इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं नमस्कार